बिलासपुर में बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जब खुद शराब पीने के तरीके बताए तो उसकी सोच का पता चलता है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को खोज रही है। उन्होंने रेल बंदी के निर्णय को देश हित में लिया गया फैसला बताया है। शुक्रवार को निजी प्रवास पर शहर पहुंचे भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने देर शाम मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बयान के बहाने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के कार्यक्रम में अगर सरकार के मंत्री ये कहें कि शराब कैसे पीनी चाहिए, कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, सड़कों में गड्ढे हो जाएं तो एक्सीडेंट कम होते हैं, इससे सरकार की सोच का पता चलता है, ऐसे में वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। कांग्रेस की ओर से भाजपा सांसद के लापता होने के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार लापता है और प्रदेश की जनता सरकार को ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम आंदोलन करना नहीं, जनता की सेवा करना है। जो सड़कों के गड्ढे भर नहीं पा रहे वे आज आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है। जनता इनसे नाराज है, इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं।